सर क्या कहना चाहिए, आज नैना का बर्थडे है और किस तरह की सेलिब्रेशन आप लोग करने वाले आज पार्टी में? वेल आप दो ही रहे हैं, सेलिब्रेशन तो हम लोग फुल ड्रेसअप होके आ गए हैं। नैना का बर्थडे और मेरा बर्थडे ऐसी चीज़ होती है जो हम पूरे साल वेट करते हैं। दो शी डिडंट वांट टू सेलिब्रेट दिस ईयर बट आई वाज लाइक के ऑलरेडी पूरा साल बहुत हम लोग क्वारंटीन में रहे हैं, कुछ नहीं गए घूमे फिरे नहीं, तो आई फोर्स्ड दैट यू नो लेट्स डू समथिंग, लेट्स पार्टी। सो टुनाइट्स गोना बी अ क्रेजी नाइट, आई एम टेलिंग यू, एंड आई थिंक आई होप वी रीच होम सोबर, ऑल गुड, दैट्स माय प्रे फॉर टुनाइट। ओके, आप दोनों साथ में रहे स्प्लिट्स विला में, बिग बॉस में आपने कैसा देखा नैना को? काफी नैना थोड़ी ऐसी सटल थी, ज्यादा मतलब कुछ नहीं कर, जल्दी से निकल पाई, क्या कहना चाहिए? स्प्लिट्स विला एक शो है जिसमें आप टैलेंट लाइक टैलेंट नहीं है, टास्क बेस्ड आपकी फिजिकल चीज होती है। बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ आपका जो व्यक्तित्व होता है वो देखेगा, दैट्स नैना, शी इज स्वीट, शी विल हेल्प पीपल, वो हंसेगी हंसाएगी, उसको जो पसंद आएगा उसके साथ बहुत अच्छे से रहेगी, जो नहीं पसंद आएगा वो उसके साथ बिल्कुल साइड हो जाती है, शी इज नॉट द वन यू नो हु इज गोना जस्ट कीप फाइटिंग और मतलब पोक करती रहेगी। दैट्स व्हाट यू सॉ इन बिग बॉस एंड दैट डिडंट वर्क, बट आई एम हैप्पी दैट व्हाटएवर शी डिड इन बिग बॉस वाज अमेजिंग। आपको क्या लगता है क्या ऐसी एक गलती हो गई नैना से जो बाहर का रास्ता नैना ने नहीं? आई थिंक गलती नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है वो बहुत एक तो छोटी थी शो के लिए, वहाँ सब जो लोग आए हुए थे बहुत ही मतलब मजे हुए लोग थे, और आई थिंक दूसरी चीज़ ये हुई कि वो समझ नहीं पाई है कि जो ऑलरेडी लोग वो कंटेंट क्रिएट करते हैं ना वो नैना नहीं है, शी इज़ रियल, शी कांट बी फेक, सो आई डोंट थिंक इट्स अ गलती, वो उसकी जो पर्सनैलिटी वही उसके लिए बैकफायर कर रही है। ओके, आप दोनों की दोस्ती भी काफ़ी सुर्खियों में रहती, काफ़ी लोग जानते हैं, क्या कुछ बताना चाहिए आप दोनों? सी हमारी फ्रेंडशिप ऐसी है जब भी हम कुछ सोशल मीडिया पर डालते हैं, हम स्प्लिट्स विला शुरू कराता, हम दोनों दुश्मन थे कहने को, एंड देन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, देयर इज नो लुकिंग बैक, चार साल हो चुके हैं, एंड इट्स लाइक कि हमारे बहुत दोस्त आए हैं, बहुत दोस्त गए हैं चार सालों में, बट दीज टू आर ऑलवेज टुगेदर, और जैसा मैंने बोला कि हम लोग बाहर जब साथ जाते हैं मतलब कुछ भी हो वी आर डूइंग इट टुगेदर, ए बी इट फेस्टिवल, बी इट बर्थडेज, बी इट वेकेशंस, वी आर ऑलवेज टुगेदर, सो दिस इज द काइंड ऑफ फ्रेंडशिप वी हैव। सोशल मीडिया में कहा जाता है फैंस आपके कि दोनों आप लोग डेट कर रहे हैं, यस यस, सी फैंस की मैं बोलूँगा, फैंस को रियलिटी नहीं पता होती, फैंस जो देखते हैं, जो उसकी पिक्चर्स देखते हैं, फैंस मेजरली सब मेट्रो सिटीज से नहीं होते, छोटे शहरों से होते हैं, उनके लिए ना एक क्यूट मोमेंट होता है कि जब एक लड़का लड़की साथ में क्यूट फोटोज डाले तो उनकी वो एक्सपेक्टेशंस हैं, आई डोंट से कि वो बोलते हैं कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, सो दैट्स अ थिंग, बट आई थिंक पार्ट ऑफ बींग अ पब्लिक फेयर, वी आर हेयर टू बी कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक, सो वी कांट हेल्प दैट। ओके, स्प्लिट्स विला के बाद आप क्या करने वाले हैं? क्या बिग बॉस में आप जाना पसंद करेंगे? नहीं, डेफिनेटली नॉट। फिल्म कर रहे हैं तो फिल्म के बारे में कुछ बताइए। सो ये फिल्म जो होने वाली है एक ये थ्रिलर होने वाली है, अभी इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आई हैं, मलिका शेरावत जी इसमें लीड हैं, देन पंकज कपूर हैं, देन आई एम देयर, आंचन मुंजाल इज देयर, सो इट्स गोना रिलीज वेरी सून, पहले ये थिएटर्स में होने वाली थी बट अब ये OTT पे होगी बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो, एंड इट वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट बिकॉज बॉलीवुड हर किसी के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव रोल इन इट, सो दैट्स ऑल आई कैन से फॉर नाउ। तो थोड़ा कैरेक्टर के बारे में तो अगर कैरेक्टर बस यही बोल सकता हूँ, एक ही बहुत ही फिर आ गई, एक कैरेक्टर इज लाइक इट्स अ मिक्स, अ गुड बॉय टर्न बैड, दैट्स ऑल आई कैन से। ओके, आखिर में अपने फैंस से क्या? अगेन मैं सारे फैंस को ही बोलूंगा कि प्यार बांटिए, सब लोगों के पोस्ट, हम लोगों के काम को सबको लाइक करते रहिए, और ट्रोल मत करिए यार, बहुत मेहनत करते हैं काम करने में। थैंक यू सो मच, ऑल राइट, बाय।